खबर जखनिया गाजीपुर से है, जहां उपकेंद्र पर विगत लगातार एक सप्ताह से जर्जर तारों के चलते विद्युत आपूर्ति ठप हो जा रही है। कहीं भी कभी भी खंभे से तार टूटने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है और क्षेत्र के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जखनिया तहसील केंद्र है, टाउन की विद्युत की सप्लाई 18 से 20 घंटे सप्लाई उपकेंद्र पर होती है, पर टाउन में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती क्योंकि कहीं न कहीं जर्जर तार होने की वजह से टूटा ही रहता है। वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्र पर भी विद्युत की तमाम जांचों के लिए अति आवश्यकता है, पर तार टूटने की वजह से बिजली नहीं मिल पाने के कारण बहुत समस्याएं हो रही हैं। जखनिया बाजार के सरेराह चलने वाली सड़कों पर तार टूटकर गिर जाता है, जिससे कई बार लोग साफ बच चुके हैं। बेजुबान जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके लिए कई बार उच्चाधिकारियों से अवगत भी कराया गया पर कोई समाधान नहीं निकला। जबकि अगर पूरे टाउन में केबल तार लगा दिया जाता है तो इस समस्या का समाधान हो जाता। इस विषय पर भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा इस विषय को लेकर संबंधित अधिकारियों से अवगत कराया जाएगा। ट्विटर के माध्यम से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को अवगत करा दिया है, जल्द ही समस्या का कोई निराकरण होगा। वर्मा ने कहा जब से बीजेपी सरकार बनी है विद्युत व्यवस्था बहुत सुधरी है। पहली बार पूरे देश के हर कोने में हर गाँव में बिजली पहुँची है। स्थितियां सामान्य होते ही समस्या का भी पूर्णतः निराकरण हो जाएगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। जखनिया से कमलेश यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है? प्रमोद वर्मा, भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष गाजीपुर। जखनिया में कई दिनों से लाइन की कटौती हो रही है और बहुत लोगों का, आम जनता को काफ़ी जीना मुहाल हो गया है उमस भरी गर्मी में, इस सिलसिले में क्या कहना है? हाँ, कुछ समस्याएँ जब से ये बारिश का सीजन शुरू हुआ है जखनिया टाउन में आई है। जबकि जखनिया टाउन में टाउन की लाइट 18 से 20 घंटे विद्युत सब केंद्र जखनिया में उपलब्ध रहती है, लेकिन जखनिया के बाज़ार में तारों की स्थिति बहुत जर्जर है, जो आए दिन टूट जाता है, जिसके वजह से दिन भर आपूर्ति ठप हो जा रही है। इस संबंध में मैंने SDO से बात किया है और ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमान श्रीकांत शर्मा को भी ट्विटर के माध्यम से अवगत करा दिया है। निश्चित रूप से जो भी संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारी हैं उनको भी मैं लिखित पत्र लिखूंगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि गर्मी का समय है और बिजली की आवश्यकता सबको है। स्वास्थ्य केंद्र पर भी तमाम जांचें हैं जिनके लिए जो है बिजली आवश्यक है। ये सारी बातें संज्ञान में है, निश्चित रूप से इसका समाधान किया जाएगा और अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।